अयोध्या राम मंदिर स्थापना के मौके पर राम प्रतिष्ठा को लेकर पूरे भारत में धूम है। जो लोग अयोध्या राम प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पाएंगे, वह लोग अपने ग्रामीण इलाकों को ही अयोध्या जैसा माहौल बनाने की तर्ज पर काम कर रहे हैं। आज जहां देखो जिधर देखो राम मंदिर को लेकर भव्य यात्राएं निकल रही हैं। राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं। दिल्ली के जगतपुर गांव में भी राधा कृष्ण मंदिर से करीब 2000 महिलाओं ने कलश से यात्रा निकाली। इस यात्रा को श्री श्री 1008 बाबा दीन बंधु दास महाराज के नेतृत्व में जगतपुर गांव में भ्रमण करते हुए यमुना किनारे शनि शाम घाट पर पहुंचकर कलश में यमुना नदी से यमुना का पवित्र जल भरकर इस यात्रा को वापस जगतपुर गाँव के राधा कृष्ण मंदिर में स्थगित किया गया। श्री श्री 1008 बाबा दीन बंधु दास जी महाराज ने ये कहा कि जगतपुर गांव के राधा कृष्ण मंदिर में आज से राम प्रतिष्ठा के ठीक 2 दिन बाद मतलब 9 दिन राम कथा होगी, 7 दिन राम कथा चलेगी और 2 दिन भव्य महायज्ञ होगा, जिसमें भारत के बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि पहुंचेंगे और राम प्रतिष्ठा को लेकर भव्य महायज्ञ में शामिल होंगे। हमारे जो आज झांकी आ रही है, कलश यात्रा आ रही है, ये कथा के लिए आ रही है। ये कथा राम कथा है गया, जिसके पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम राम का नाम जपने वाले राम राम का नाम जपो, उसके लिए राम की महिमा होगी। आपकी जो मनोकामना वो पूरी होगी, जो आपके विश्व के अंदर वो चीज नहीं मिली वो भी आपको ये जरूर मिलेगी। हाँ, राम 22 तारीख को राम वहाँ अयोध्या जी के अंदर 22 तारीख को सारे हिंदुस्तान के जितने भी महात्मा लोग हैं, जो सभी बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ जा रहे हैं राम प्रतिष्ठा के लिए। हम हिंदुस्तानी को ये कहते हैं भाई, अपने घरों में करो, जो राम की महिमा आपके घरों में भी रहे। आप घरों के राम जपोगे तो आपका भगवान का आपकी कृपा रहेगी, भगवान राम की। इसीलिए आज कलश यात्रा है, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष में यहाँ विशाल आयोजन किया जा रहा है और हर लोग तो अयोध्या पहुँच नहीं सकते, सरकार का भी गाइडलाइन है, इसलिए हम इस गांव को अयोध्या बना देंगे पूरा। यही दीपावली मनाएंगे, भव्य उत्सव होगा, राम कथा होगा, 9 दिन तक लगातार उत्सव चलेगा यहाँ पर। तो आज कलश यात्रा 15 तारीख को और 16-24 कथा होगा यहाँ पर श्री राम कथा। जो राम मंदिर जा रहे हैं अपने घर में अभी दीपावली मनाए, वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं उनको देखना पड़ेगा, VIP भी आ रहे हैं तो हम लोग उसको समझना पड़ेगा। यहीं पर अपना घर पर रह करके उत्सव मनाएं, घर घर दिवाली मनाएं और राम जी का प्रतिष्ठा का उत्सव घर पर मनाएंगे, अपने आसपास के मंदिरों में मनाएंगे, इसलिए वहां ना जाएं, बाद में चला जाएगा, सब लोग बाद में पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। राधा कृष्ण मंदिर जगतपुर गांव में ही कथा होगी और कलश यात्रा आज है। आज यहाँ से कलश यात्रा, मंगल कलश यात्रा हजारों महिलाओं के द्वारा यहाँ से पूरा नगर भ्रमण करते हुए शनि धाम मंदिर जमुना जी से जल भरा जाएगा, वहां से फिर वापस यहाँ का स्थापना हो जाएगा और कल से कथा प्रारंभ होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रहे राम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में पूरे भारत से बड़े बड़े धर्म गुरु, नेता, अभिनेता और भारतीय नागरिक पहुंचेंगे, जिसके चलते वहां भीड़ का सैलाब भी छा जाएगा। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर खुद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने आसपास का माहौल अयोध्या के रंग में रंगने की तर्ज पर काम कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर के निर्माण से सर्व धर्म के लोग ज्यादातर खुश नजर आ रहे हैं। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। जगतपुर गांव में हो रहे इस भव्य राम कथा को लेकर जो कलश यात्रा निकाली जा रही है, इसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी के जुबान पर जय श्री राम का नारा है। बड़े बुजुर्ग बच्चे नाचते गाते झूमते राम प्रतिष्ठा के दिन को एक महापर्व के रूप में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जय सीताराम जी। हम अयोध्या जाने में समर्थ नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ की वजह से। तो हमारा जगतपुर पूरा गांव, समस्त गांव जो है अयोध्या की जो खुशी है, जो दिवाली हम मनाने जा रहे हैं अपने ही गांव में मना रहे हैं, इस बार जो खुशी है पूरे जगतपुर समस्त गांव वासी आज एक बहुत बड़ी कलश यात्रा निकाल रहे हैं इस खुशी में। और 7 दिन के लिए हम हवन कर रहे हैं, 22 तारीख तक हमारे यहाँ हवन चलेगा अयोध्या के जो राम प्राण जा रहे हैं उसके लिए। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही
बढ़िया है, अयोध्या की तरह लग रहा है, जैसे अयोध्या हो यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर जो रामायण हो रही है, रामायण होगी हमारी, कल से रामायण शुरू होगी। और ये देख रहे हो आप कितनी बड़ी झांकी निकल रही है भगवान राम के उपलक्ष्य में, हमारे श्री महाराज दीन बंधु जी महाराज, रामदास जी महाराज और अवधेश दास जी महाराज, इन्होंने जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया, यहाँ ही अयोध्या लग रही है। जय श्री राम। यहाँ ठीक लग रहा है, जय श्री राम। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या का जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ भी अपने गाँव वासियों ने मिलकर 9 दिन के लिए वो पूरा रखी है, रामायण रखी है और आज कलश यात्रा है, उसमें जो सभी गांव वाले, तो अयोध्या तो जो है आप तो जा नहीं सकते, उसके बाद जो है वहाँ भी थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी और यहाँ आपने यहाँ प्रोग्राम रख लिया गाँव वासियों। फिलहाल आपको बता दें कि राम प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा भारत एक धर्म नगरी में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, सभी में राम नाम की धुन है और सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही है। वहीं हर एक के जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं। भारत दर्पण टीवी के लिए सैजल प्रजापति की रिपोर्ट।